कहेंगे। जैसा कि ये चेन आप देख पा रहे हैं गाइस, तो ये चेन जो है टूट चुका है। आपको ये ब्रेक शू का नट का जरूरत पड़ेगा, ये नट को हम खोल लेते हैं। ये नट का जरूरत पड़ेगा आपको इस तरीके से नट में रख करके, और आपको इस तरीके से हथौड़ी प्रेस करना है। हथौड़ी प्रेस करने के बाद आपको जो है इस तरीके से कांटी लगा करके और इस तरीके से आपको हल्का हल्का ठोकना है। तो इसमें देखिए ये जो चेन का कांटी रहेगा गाइस वो आपको बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये बाहर आ चुका है। चेन को इस तरीके से लोहा में रख देना है। लोहा में रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ी जो है आस्ते आस्ते प्रेस करना है। इस तरीके से देखिए हमने हथौड़ी आस्ते आस्ते प्रेस कर दिए हैं। लेकिन गाइस आपको जो हम अपोजिट साइड चेन का दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कि साइकिल का चेन अगर टूट जाता है तो किस तरीका से आप अपने घर में ही अपने से ही अपना साइकिल का चेन को आसानी से जोड़ सकते हैं, और चेन जोड़ने का प्रोसेस क्या क्या है, और किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और किस तरीका से आप चेन को जोड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। उससे पहले गाइस बताना चाहेंगे, जैसा कि ये चेन आप देख पा रहे हैं गाइस, तो ये चेन जो है टूट चुका है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए साइकिल में भी चेन आपका लगा हुआ नहीं है, वही चेन है इसमें टूटा हुआ है। तो ये चेन को जोड़ना है किस तरीका से अगर आपका साइकिल का टूट जाता है तो आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीका से और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा साइकिल के रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो देखता रहूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा साइकिल के रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा एक लाइक कर दे। सबसे पहले क्या करना है गाइस, चेन कवर को खोल लेना है। तो चलिए हम फटाक से नहीं चेन कवर को खोल लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। चेन कवर खोलने के बाद गाइस क्या करना है, सबसे पहले एक चीज हम आप लोग को क्लियर करना चाहते हैं गाइस। अगर आपके पास एटलस 22 इंची हो, 20 इंची हो, या फिर एमटीबी में कोई भी किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो गाइस आपके पास, अगर चेन अगर आपका साइकिल का टूट जाता है तो सेम प्रोसेस के साथ में चेन जोड़ा जाता है गाइस। इसका कोई अलग से और कुछ होता नहीं है, जिस तरीका से हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं उसी तरीका से चेन जोड़ाता है। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं चेन किस तरीका से जोड़ना है। इसमें देखिए गाइस ज़्यादा ऑयलिंग करने की वजह से क्या है, देखिए गाइस गियर में कितना ज़्यादा कचरा बैठ चुका है ज़्यादा ऑयलिंग करने की वजह से। समय समय पे आपको जो है चेन का जो ऑयल है गाइस उसे भी आपको रिमूव करना है, साफ करके रखना है। इससे चेन का जो लाइफ होता है गाइस वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम चेन को अब जोड़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। सो गाइस अगर आपका चेन में इस तरीका का ऑयल से भींगा हुआ है तो हमारा हाथ देखिए गाइस अभी फ्रेश है, और कुछ देरी के बाद आप देखिएगा हमारा हाथ एकदम पूरा ब्लैक हो चुका होगा। तो चलिए हम चेन को जोड़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। चेन जोड़ने के लिए गाइस एक आपको हैमर का जरूरत पड़ेगा, एक आपको इस तरीका का लोहा का जरूरत पड़ेगा, आपको ये ब्रेक शू का नट का जरूरत पड़ेगा। ये नट को हम खोल लेते हैं। ये नट का जरूरत पड़ेगा आपको। एक आपको इस तरीका का टुकड़ा चेन का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पुराना चेन का कड़ी है, कोई भी रिपेयर शॉप में आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस एक टोटा प्लायर का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका एक स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद गाइस इस तरीका का एक आपको कांटी का जरूरत पड़ेगा, कीला का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, नट को इस तरीके से लोहा में रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए गाइस एक तरफ चेन जो है हमारा एकदम सही है, लेकिन गाइस जिधर कांटी है जिधर चेन फंसता है तो इधर का जो है एक कड़ी चेन जो टूटा हुआ, जैसा कि हम आप लोग को दिखाए हैं एक साइड वाला, तो ये क्या करना है कि हमें एक कड़ी चेन को निकाल देना है और एक कड़ी चेन इसमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम एक कड़ी चेन को निकालते हैं क्योंकि ये टूटा हुआ है। इस तरीका से नट में रख करके, और आपको इस तरीके से हथौड़ी प्रेस करना है। हथौड़ी प्रेस करने के बाद आपको जो है इस तरीके से कांटी लगा करके और इस तरीके से आपको हल्का हल्का ठोकना है। तो इसमें देखिए ये जो चेन का कांटी रहेगा गाइस वो आपको बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये बाहर आ चुका है। उसके बाद हल्का सा इस तरीके से बेंड करेंगे तो ये देखिए चेन का कड़ी बाहर आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप पुराना चेन का कड़ी लाए थे शॉप से खरीद के रिपेयर शॉप से, तो ये चेन का कड़ी को एक कड़ी आपको निकाल लेना है। तो चलिए हम फटाफट से ये चेन का कड़ी को निकाल लेते हैं। इसमें देखिए गाइस का एक कड़ी हो गया, ये आपका दो कड़ी हो गया। तो ये आपको दो कड़ी चेन को काट के निकालना है। ठीक है गाइस, एक कड़ी कभी भी नहीं निकलता, जब भी निकलता है दो कड़ी चेन निकलता है। तो इस तरीके से आपको जो है दो कड़ी चेन निकाल लेना है। ठीक है, और इसका जैसा कि हम भी दिखा दिए, इसमें भी देखिए हम दो कड़ी चेन को निकाल लिए हैं। तो दो कड़ी चेन इसका वाला ख़राब हो चुका था, इसको हम हटा देते हैं। और जो पुराना वाला चेन है गाइस
जो इसमें हम निकाले हैं। तो ये जो आप चेन एक्स्ट्रा से निकाले बढ़िया वाला दो कड़ी चेन को इस तरीके से आपको जो है जोड़ देना है। देखिए ये हमारा चेन जो एकदम बढ़िया से फिट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसको आस्ते से जो है हथौड़ी प्रेस करना है इस तरीके से। हथौड़ी जब आप प्रेस कर देंगे उसके बाद प्रेस करने के बाद हल्का सा ये जो नट है नट को आपको इसके ऊपर में रखना है और उसके बाद हल्का हथौड़ी प्रेस करना है इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों साइड एकदम बराबर आपको कांटी को बाहर निकालना है। सो गाइस ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो कांटी देखिए गाइस दोनों साइड हमने जो बराबर एकदम बाहर निकाले हैं। तो इस तरीके से कांटी को आपको बराबर बाहर निकालना है, ज़्यादा हथौड़ी प्रेस नहीं करना गाइस। ज़्यादा अगर हथौड़ी प्रेस करते हैं तो ये जो कड़ी का पत्ती है गाइस ये आपका टूट सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से चेन को जोड़ लेना है जो एक कड़ी आप निकालिएगा। और आपको साइकिल में बताते हैं साइकिल में किस तरीके से जोड़ना है। साइकिल में जोड़ने से पहले गाइस जो गियर में कचरा वगैरह लगा इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। देखिए गाइस गियर और फ्री व्हील का हमने कचरा को साफ कर लिए हैं। अब चेन को चलिए फिट करते हैं साइकिल में। सबसे पहले आपको क्या करना गाइस, पीछे की ओर से इस तरीके से चेन को प्रेस करना है। जिस तरीके का मॉडल है गाइस आपका साइकिल का उस तरीके से आपको जो अपना हिसाब से देख लेना है। तो इसमें देखिए गाइस बैक स्टेक इधर है, ठीक है, चेन स्टेक इधर है और मेडगार्ड का जो रड इधर है। तो आपको जो फ्री व्हील का अंदर में सारा चीज़ आएगा, फ्री व्हील का बाहर से कोई चेन को ना ले, जिस तरीके से हम आप लोग को दिखा रहे हैं इस तरीके से फिट करना गाइस। उसके बाद आपको क्या करना गाइस, इस तरीके से आपको जो है फिट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमने चेन को बढ़िया से फिट कर लिया है। फिट करने के बाद आप जो हम चेन को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ना है किस तरीके से, पहले फ्री व्हील से चेन को हटाते हैं। देखिए चेन को फ्री व्हील से हटा दिए हैं। उसका जोड़ना है किस तरीके से गाइस, दोनों चेन का आपको लेबल इस तरीके से देख लेना है। ठीक है गाइस, तो देखिए हम पहले लेबल आप लोग को दिखा देते हैं किस तरीके से देखना है। चेन आपको जो है गाइस इस तरीके से एकदम सीधा देख लेना है, एक लेवल में होना चाहिए दोनों ही चीज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेन इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। चेन को इस तरीके से सीधा देखने के बाद चेन को आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। चेन को इस तरीके से आपको जोड़ देना है, जैसा कि आप देखें हम जोड़ दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से लोहा में रख देना है। लोहा में रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ी जो है आस्ते आस्ते प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए हमने हथौड़ी आस्ते आस्ते प्रेस कर दिए हैं। लेकिन गाइस आपको जो हम अपोजिट साइड चेन का दिखाते हैं, देखिए जैसा कि आप अपोजिट साइड में चेन को देख पा रहे हैं, इधर में देखिए कांटी बाहर नहीं आया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो है नट को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से नट को रखना है। नट को रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है बढ़िया से एकदम सेंटर मिला करके होल का बीच बीच में कांटी को आपको रखना है, जिस तरीके से हम रखें। उसके बाद हथौड़ी हल्का हल्का प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए हल्का हम हथौड़ी को प्रेस किए तो ये देखिए गाइस दोनों साइड में जो है एक लेवल में हो गया गाइस कांटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कांटी को सेट कर लेना बढ़िया से। इसमें आपको जो है हथौड़ी आराम से प्रेस करना है, ठीक है, जगह पर सेंटर में मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हथौड़ी जो है प्रेस कीजिएगा तो कांटी अपना जगह में आकर के सेंटर में मिल जाएगा और फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से चेन को जो है गाइस फिट कर लेना है। अब चलिए साइकिल में जो है गियर में सेटिंग करते हैं चेन को, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। जो है इस तरीके से पहले फ्री व्हील में चेन को बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद आपको जो है गियर में इस तरीके से आपको जो है फिर फिट करना है। तो देखिए नीचे से आपको फिट करना है, आराम से हो जाएगा इस तरीके से आराम से। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से चेन को जो है चढ़ा देना है। तो ये देखिए गाइस हमने चेन को चढ़ा दिए हैं आराम से, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये देखिए गाइस चेन हमारा सही से एकदम फिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आप लोग को पैडलिंग करके हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए गाइस चेन हमारा फिट हो चुका है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपना साइकिल के चेन को फिट कर लेना है। जिस तरीके से आप चेन कवर को खोले थे उसी तरीके से आपको चेन कवर को फिट कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से चेन कवर को फिट कर लेते हैं। पैडलिंग करके देखना है, ठीक है गाइस। तो पैडलिंग करते हुए अगर आपका कहीं चेन कवर फंसता है या फिर सटता है या फिर करकुर का आवाज़ आता है तो आपको क्या करना है, ये चेन कवर जब भी सटेगा आपको बाहर साइड की ओर सटेगा तो इसको आपको बाहर साइड इस तरीके से करना है। फिर आपको नीचे से भी बाहर की ओर इस तरीके से करना है। उसके बाद अगर यहाँ से सटता है तो यहाँ से इस तरीके से बाहर की ओर टालना है हल्का सा, अगर ज़्यादा सटता है, ठीक है। और अगर ये जो पैडलिंग करते हुए अगर सट रहा है तो आपको अंदर की ओर हल्का सा प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से चेन कवर को फिट कर लेना है। आशा करता हूँ गाइस मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ चेन किस तरीके से फिट किया जाता है अगर साइकिल का चेन टूट जाता है।